हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है, अभिनेता पशु और पक्षी इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है और भी प्रश्न है दोस्तों, इसी के जैसे हम लोगों के सामने 11 का संबंध 38 लिखा है, उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, इसी के जैसे हम लोगों के सामने यहां पर दिया गया है कि खुरदरा का संबंध जिस प्रकार से चिकना लिखा है, तो उसी प्रकार से व्यवस्थित का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 307 है दोस्तों, जिसने पार्ट 306 तक नहीं देखा चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करें। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, IT, BPC, RPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, UP पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करें इस तरीके के। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए खुरदरा का संबंध लिखा है चिकना, उसी प्रकार से व्यवस्थित का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, उसने विपरीत क्रम दिया, यानी बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया दोस्तों, विपरीत क्रम लिखा है। विपरीत क्रम का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों हम लोगों का उल्टा क्रम, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, जिस प्रकार से खुरदरा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, चिकना, यानी विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, चिकना, उसी प्रकार से व्यवस्थित का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेढंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए व्यवस्थित किए हैं और यहाँ पर दिया जैसे बेढंगा, बेढंगा का मतलब होता है दोस्तों एकदम छितिर बितिर इधर उधर फैला दिया, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, यानी विपरीत क्रम दिया था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 है, और उसके बाद हम लोगों के सामने 15 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 42 और इसी जगह है क्वेश्चन मार्क। तो हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, ये देखिए 2 से यदि आप 3 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +1 क्या है, उसी प्रकार से ये देखिए 3 से 6 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर +3 क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस कितना किया है, 9 किया है, उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे दोस्तों तो आपका कितना किया है, देखते चलिए यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से अगर 42 जा रहे हैं तो 42 जा रहा है, तो हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यहाँ पर 27 उसने प्लस किया है, यानी एक बात हम लोगों के सामने पता चल चुका है कि यहाँ पर 27, तो आगे क्या चलेगा दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया है कि 1, 3, 9, 27, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना करना होगा, 81, यानी 2, 1, 3, 8, 4, 12, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 123 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, देखिए उसने क्या क्या 3 गुना करके लिखा है, यानी 1 से देखिए 3 गया, 3 का 9, 9 से 27, 27 का क्या दोस्तों, 81, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1, उसके बाद 3, 9, 27, 81, इस तरीके से यहां पर दिया गया इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा, 123 आ जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 11 का संबंध जिस प्रकार से 38 लिखा है तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट की उस जगह पर क्या आएगा कि 11 का संबंध आखिर कैसे लिखा उसने 38, ये बात आपको सोचना है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह और यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 13 का और क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि 11 से यदि आप 38 पे जाएंगे दोस्तों तो आपको करना क्या होगा, इधर इसमें आप क्या कर देंगे गुना 3 कर देंगे, तो 11 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा और 5 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 आपको जोड़ना है। उसी प्रकार से इधर 13 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों क्या करना होगा हम लोगों के सामने गुना 3 कर देना है प्लस क्या कर देना है 5 कर देना है, तो 13 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 39, 39 में जैसे ही 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 5 14 करी 4 और 3 1 4 44 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं, बस आपको तरीका समझना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए कि गुना 3 प्लस 5 जैसे 11 से 38 गया 11 में 3 से गुना कर देंगे 33, 33 में 5 जोड़ देंगे 38, उसी प्रकार से 13 का निकालना, जो काम आप उधर के वही काम आप इधर करेंगे, अगर गुना 3 और 5 किए तो यहाँ भी गुना 3 और 5 करेंगे यानी कि 39 और 5 जोड़ देंगे दोस्तों 44 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, दोनों तरीका आपको बता दिए या तो, और हमेशा आप गौर कीजिए दोस्तों कि जहां बड़ा अंक रहेगा आप वहां पर ही चलेंगे और कुछ छोटे नंबरों को हो सकता है कभी जोड़ के देता है, कभी गुना करके देता है, कभी भाग करके देता है, कभी स्क्वायर करके जोड़ देता है, कभी क्यूब करके जोड़ देता है, तो ऐसे आपको सोचना क्योंकि पैटर्न फिक्स नहीं है कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो ही आंसर जाएगा घटाएंगे, वो करके आपको देखना होगा तभी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है, देखिए उसने चला है इधर से ही और क्या किया, देखिए ये जो 4 देख रहे हैं दोस्तों इस जगह पर जो ये 4 देख रहे हैं 4 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये 2 से भागा कर दिया, ये जो 4 और 2 देख रहे हैं दोस्तों उसमें क्या कर दिया उसने भागा कर दिया है। तो जैसे ही भागा करेंगे यानी कहने का मतलब ये देखिए 4 यहाँ पर लिखना होगा नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे कि 4 भागा 2 कर देंगे दोस्तों, 4 भागा 2 जैसे ही कर देंगे और ब्रैकेट बंद और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, तो जैसे ही 4 में 2 से भागा देंगे तो हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो जैसे ही आप 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दुना 10 हो जाएगा, तो वही 10 देखिए हम लोगों के सामने क्या क्या दोस्तों उसने लिखा है, यानी कि ये जो 10 आप यहाँ पर देख रहे थे कैसे लिखा था उसी प्रकार से देखिए इसमें चलना है, इसमें भी वही काम करना है दोस्तों, देखिए इसमें सबसे पहले आप भाग का काम करेंगे, एकदम जो तरीका आपको बता रहे हैं उस पर आप गौर कीजिए कभी गलती नहीं होगा, यानी 6 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों ऊपर वाला जो संख्या यानी 7 हो जाएगा, तो देखिए 6 में 3 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो 7 दुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा, तो देखिए वहां पर 14 लिखा है कि नहीं लिखा है, बड़ा वाला संख्या हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 14 है, ये 14 है। उसी प्रकार से इसका करना है दोस्तों, तो इसका ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देगा क्योंकि कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने जिस तरीके से दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6 हो जाएगा और भागा क्या करना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क यानी कि इस जगह पर हो जाएगा और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और गुना हम लोगों के सामने ऊपर वाला संख्या हो जाएगा 8 और उसके बाद बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों 12 आना चाहिए क्योंकि नीचे 12 है तो वो लाना है। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह आप 4 रख देते हैं दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है इस जगह पर यदि आप 4 रख देते हैं तो आपका कहानी क्लियर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 6 और भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा क्योंकि जो भाग है तो नीचे जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 रख दिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 रख देंगे जैसे इधर हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा तो और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12, देखिए इसको कटा लीजिए आपका एकदम आंसर निकल जाएगा, आपको घबराना है ही नहीं,
ये देखिए 4 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 6 दुना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए 12 आया कि नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना होगा दोस्तों, सीधा सीधा कहने का मतलब इस जगह पर आप क्या रख देंगे, 4 जैसे ही रख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब भाग देकर लिखा है, यानी इस दोनों संख्या में क्या करना है दोस्तों, भाग कर देना है, ऊपर वाला संख्या गुना कर देना, इस दोनों संख्या में भाग करना था एकदम करके भी नीचे बताया ही देख ले कि 4 में 2 से भागा देंगे और गुना 5 कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, स्किप कर देंगे, अब अंत तक बने रहिए, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में 4 है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि e के बराबर हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 5 लिखा है, उसी प्रकार से H, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद हम लोगों के सामने N लिखा है, इसको क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि पेन को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया हम लोगों के सामने। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करना होगा। ई के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, 5, यानी ए बी सी डी में ई का स्थान कितना होता है, 5 होता है, तो वही लिखा है। उसी प्रकार से एच का स्थान होता है दोस्तों 8, ई का स्थान होता है 5, एन का स्थान होता है 14। तो जैसे ही इसको आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से P का स्थान होता है दोस्तों 16, E का स्थान होता है 5, N का स्थान होता है हम लोगों के सामने 14। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा कितना हो जाएगा, 10, 5, 15, इधर जोड़ लीजिए, एकदम आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, हम लोग अगर इसको जोड़ेंगे, जैसे कि पेन का हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है यानी कि 16, इधर हम लोगों का 14, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ ले 16, 5, 21, 21, यानी कि 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आएगा, 35 आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या गया दोस्तों, यानी सभी अंकों का यानी जो लेटर दिया उसका स्थान ए बी सी डी में रख के और उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया था, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2, सी का, अरे ए से लेकर जेड तक आप कैसे जानते हैं कि 26 लेटर होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इस तरीके से करके उसने रखा है, आप देखिए ना बिल्कुल आप समझ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि उस शब्द को चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, जैसे डी, तो डी मिल रहा है, उसके बाद ए भी मिल रहा है, उसके बाद एन, उसके बाद सी, उसके बाद ई, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से स्कैन तो देख लेते हैं, एस मिल रहा है, सी मिल रहा है, ए मिल रहा है, उसके बाद एन, तो ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद एस ए एन डी, तो देखते हैं एस मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, उसके बाद एन डी, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए एस है, तो एस तो है, सी भी है, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, तो वहां पर कहीं एल ए एन डी एस सी ए आर, हाँ भी, तो पता चल चुका है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे आर का प्रयोग किया, एक बात मेंशन कर देंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, आर का प्रयोग किया है और वहां पर कहीं हम लोगों के सामने आर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया, यदि किसी संकेतिक भाषा में एक संकेत कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है कि एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है ए, इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, देखिए आई लिखा, उसके बाद हम लोगों के सामने बी लिखा, उसके बाद एस लिखा, और उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, बी लिखा। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि ए है, उसके बाद आर, उसके बाद ए, और क्या है दोस्तों, एच है। तो यहाँ पर देखिए तरीका आपको करना क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये देखिए एच से यदि आई पे जाएंगे क्या करना होगा, ए से बी पे जाएंगे, आर से एस पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे,
उसी प्रकार से इससे यानी कि आपको जाना है दोस्तों, यानी कि लेटर में देखना होता है कि कितना वृद्धि किया है, कितना कमी किया है, ये बात आपको सोचना है। तो एच से आई पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस वन क्या है, ए से बी पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस वन क्या है, आर से एस पे जाएंगे प्लस वन, ए से बी पे जाएंगे प्लस वन, यानी सब में प्लस वन कर दिया दोस्तों। यानी कि यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, सब में आपको एक एक लेटर आपको क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना। ए के बाद हम लोगों के सामने बी होता है, आर के बाद एस होता है, ए के बाद बी होता है, एच के बाद आई होता है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, बी एस यानी कि बी एस और बी आई, तो देखते हैं कहाँ मिल रहा है, बी एस बी आई, ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर दें दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बस आपको तरीका समझना हुआ क्या था, यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे कि यहाँ पर जैसे जैसे दिया है दोस्तों, यानी कि बी एस उसके बाद बी आई, तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषम की पहचान कराए, तो इन चारों में से बताना है दोस्तों कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने भिन्न है, यानी कि एक अलग है, तो अलग है तो इनमें से आखिर कौन सा अलग होगा। तो सबसे तरीका क्या हम लोगों का, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वर्ग देखते हैं, वर्ग और क्या देखेंगे, घन। अगर ई नजर नहीं आएगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है, अभाज्य संख्या लगाना होता है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों अभाज्य संख्या, अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होता है दोस्तों सम, और क्या लगाना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने विषम। अगर ई भी नहीं है तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है, यानी कि अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित लगाना होता है। तो सारे रूल को याद रखना होगा, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने नौ जो है तीन का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, लेकिन बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है, क्योंकि नौ क्या है, एक वर्ग है, बाकी कोई वर्ग है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर इसका प्रश्न ये होगा वो होगा ऐसे, क्यों, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, वो बस आप रट लिए हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऐसे कर देंगे बस हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, क्योंकि वो रूल फॉलो ही नहीं करे। पहले आपको वर्ग और घन देखना नहीं होता, तब फिर अभाज्य संख्या अगर वो नहीं होता है, फिर सम विषम अगर वो नहीं होता, विभाजता ऐसे करके आपको लगाना होता है, नहीं तो आप गलती कर देंगे इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने नौवां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। देखिए यहां पर कह रहा है कि अभिनेता है, उसके बाद हम लोगों के सामने पशु है और पक्षी है, तो इसका बताना है दोस्तों कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए अभिनेता है, पशु और पक्षी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का तीनों में कोई रिलेशन है क्या, तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई रिलेशन नहीं है सर, अभिनेता हम लोगों के सामने अलग हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने पशु क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, उसी प्रकार से पक्षी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अभिनेता, पशु, पक्षी तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तीनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर आपको इतना बात बताना कि बराबर जो जीरो दिया है कि जीरो कैसे आएगा, पहला ऑप्शन रखेंगे, दूसरा ऑप्शन रखेंगे, तीसरा, चौथा, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे। ऊपर में रहता है कि निम्न समीकरणों को कौन सा उत्तर द्वारा यानी सॉल्व किया जाएगा, ऐसे लिखा रहता है, बस उसे हटाइए, बस आपको तरीका को समझना कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन अगर रखेंगे तो मान के चले कि 12, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे दोस्तों -3 +4 और प्लस क्या दोस्तों 8, तो क्या हम लोगों का जीरो होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर तो सब पहले जोड़ का काम होगा, 8 4 12 12 24 24 में 3 हम लोगों का घटेगा तो 21 आएगा, तो ई तो होबे नहीं करेगा, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन को उठा के जल्दी से देखिए, तो यहाँ पर 12, उसके बाद हम लोगों के सामने भागा, उसके बाद 3, उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस यहाँ पर 4 और भागा क्या दोस्तों 8 और बराबर 0, ई भी नहीं हो पाएगा। इधर 3 4 12 और इधर 4 में 8 से भागा देंगे दोस्तों, 4 1 4 1/2, ई का भी 0 आ ही नहीं सकता, ई भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन उठा के देखेंगे दोस्तों, इधर 12 -3 -4 -8, तो क्या हम लोगों का 0 हो पाएगा, जोड़ लीजिए, इधर यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस,
4, 3, 7, 8, 7, 15 तो कभी हो ही नहीं पाएगा इस तरीके से। नहीं तो एक ही ऑप्शन है इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और करके भी दिखा देते हैं, ये 12 उसके बाद भागा और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 3 उसके बाद प्लस 4 अब माइनस क्या दोस्तों 8 अब बराबर 0 एकदम आएगा ही आएगा, बस एक बार आप समझने का तो प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर 12 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 अब बराबर वही कह रहा है कि उसने कि आपको किसी भी हालत में 0 लाना होगा तो लाना होगा। देखिए 4, 4, 8 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 में 8 जाएगा 0 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में नहीं था, यानी ये जो फिगर इस तरीके से किया है उसने यहाँ पर, उसके बाद इधर से इस तरीके से, उसी प्रकार से एक इधर से किया है और इस तरीके से, कहाँ दिख रहा है? देखिए तो इसमें तो एक के बगल तीर का निशान ऐसा थोड़ी दिख रहा है, इसमें देखिए एक के ये तो होबे नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हूबहू देखिए एकदम दोनों आकृति मिल रहा है, इधर से जिस प्रकार से तीर किया है और निकाला है उसी प्रकार से इधर भी तीर दोनों निकाला है, तो वही कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपी हुई नजर आ रही है, कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न? सबसे एकदम बेसिक बात कि यहाँ पर आपको पूर्व इधर लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना होता है दोस्तों, पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में ये बात हमेशा याद रखना उत्तर लेना होता है, और नीचे आपको क्या लेना होता है दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। बस एक बार इस बात को आप नोट कर लेंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगा। कहने का मतलब इधर पूरब हुआ, इधर पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये देखिए एकदम आपका आधा प्रश्न तो इसी पर आधारित और क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि गोपी पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और 4 किलोमीटर सीधे चलता है, यानी कि पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं दोस्तों और यानी कि गोपी पूर्व की ओर मुंह किया है, तो पूरब किधर होता है दोस्तों, अभी आपको बताया यानी कि इस साइड हम लोगों का पूरब होता है और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाई और मुड़ा, इधर दाएं यानी बाई, तो बाई हो जाएगा दोस्तों ऊपर, यानी कि इधर हो जाएगा 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों पुनः बाई और मुड़ा, इधर दाएं हो जाएगा बाया और 4 किलोमीटर, तो यहाँ से यानी कि यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि 4 किलोमीटर शुरू किया, तो कह रहा है कि शुरू किए गए स्थान से वह कितना दूर, तो आखिर बताइए उसने शुरू कहाँ से किया था दोस्तों, तो शुरू किया था यही बिंदा जो ये देख रहे हैं इसी जगह से शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो उधर 3 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर हो जाएगा। भले ही बड़ा क्वेश्चन दिखता है, भयावह लगता है कि सर हम कैसे करेंगे, हमसे होगा कि नहीं, डराने लगता है, लेकिन डरेंगे नहीं, एक बार आप खाली प्रयास कीजिए, आपसे जरूर कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा एकदम आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पर यही दूरी पूछा जा रहा है दोस्तों, ये दूरी कितना हो जाएगा, आयत बन रहा है, तो आयत बन रहा है तो आमने सामने भुजा बराबर, इधर 3 है तो इधर भी 3, ऊपर 4 तो ऊपर 4, यानी इस प्रश्न का आंसर 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित को एक क्रमबद्ध में व्यवस्थित करें, क्रमबद्ध में व्यवस्थित करना है दोस्तों, इसको सजाना है कि आखिर कैसे हम लोगों के सामने सजाया जाएगा, पहले फल होगा कि पहले हम लोगों का जड़ होगा कि तना होगा कि फूल होगा पहिया हो पत्तियां होगा कि शाखा होगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोगों के सामने इस तरीके से सजा लेते हैं, हाँ यहाँ से यानी कि इधर से हम लोग बढ़ते जाएंगे, इधर से क्या करेंगे दोस्तों बढ़ते जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोगों का जरूरी क्या है दोस्तों, यानी कि जड़ का होना क्या है जरूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी जड़ें हो जाएगा, जड़ के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी जड़ जैसे होगा तो उसके बाद वो क्या होगा तना हो जाएगा, तना के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही तनाव के बाद क्या हो जाएगा शाखा हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, शाखाएं हो जाएंगे, शाखाएं के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, शाखाओं में पत्तियां आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पत्तियां हो जाएंगे, और यही पत्तियां पत्तियां के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल आएंगे, वही पत्ती में आगे चलकर क्या होता है, देखिएगा पत्ती जैसे होगा टहनी में यानी फूल आएगा, फूल के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब देखिए क्रम आप क्या क्या रखे, बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप यहाँ पर 2 रखे, उसके बाद 3 रखे, उसके बाद 6 रखे, उसके बाद 4 रखे, उसके बाद 5 रखे, उसके बाद 1 रखे, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
क्रमबद्ध में रखना होता है, बस आपको सजाना होता है कि पहले यहाँ पर जड़ होगा फिर तना। देखिए जड़ जैसे होगा तो जड़ से जैसे आगे बढ़ेगा तना आएगा, तना के बाद शाखा होगा इधर उधर, यानी शाखा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों उसमें पत्तियां आएंगे, पत्तियां के बाद उसके आगे चलकर उसमें फूल, और फूल के बाद क्या दोस्तों फल। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया करा है कि भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों ये देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए किलोमीटर हो गया, उसके बाद हम लोगों का लिखा दोस्तों फलिंग लिखा है, उसके बाद यहाँ पर गज लिखा है। तो ये सभी हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का एक दूरी को मापने का, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक बात लिख देंगे, यानी दूरी को मापने के लिए क्या आ जाता है, दूरी को मापने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूरी को मापने के लिए प्रयोग होता है, दूरी को मापने के लिए यहाँ पर लिख दिए दोस्तों। बस बेसिक बात को समझना है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा कर सकते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम दूरी को मापने करते हैं, बल्कि किसके लिए करते हैं दोस्तों, वजन को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, किलोमीटर हो गया, गज हो गया, उसके बाद फलिंग जो लिखा है, इस सभी हम लोगों का दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बल्कि किलोग्राम तो वजन को यानी वेट करने के लिए करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष ये देखिए कह रहा है कि जन संपर्क संसाधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। यानी यहां पर लिखा है दोस्तों कि जन संपर्क, यानी क्या लिखा है कि जन संपर्क संसाधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण, वो बात लिख दिया है कि आक्रामक में छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है दूरदर्शन टीवी जो है दर्शकों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि दूरदर्शन टीवी का जो है दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। फिर कह रहा है कि लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि लोग आक्रामक स्वभाव के, वहां पर लिखा है दोस्तों कि जन संपर्क संसाधनों द्वारा, जन संपर्क मतलब कुछ जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इस सभी के द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण, यानी उसमें जो दिखाता है दोस्तों, तो वही कह रहा है आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा में कथन, पहला तो हम लोगों का सही है कि टीवी दर्शकों का प्रभाव पड़ता है, आप टीवी देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उससे क्या प्रभाव आप पे पड़ता है। कह रहा है लोग आक्रामक स्वभाव के, ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि लोग आक्रामक स्वभाव है कि नहीं है, ये तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि सर इसका ये होगा उसका, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कथन और पूर्व धारणा वाले में क्या होता है, आपको उसमें सेंस लगाना होता है कि आखिर क्या हम लोगों का पूर्व धारणा जो है उसमें कथन में दिया है, उससे रिलेटेड कर रहा है, उससे निकाल पा रहे हैं, तो तरीके से आपको सोचना होता है। तो यहाँ पर केवल एक सही होगा दोस्तों हम लोगों का, साफ साफ लिखा, लेकिन जन संपर्क यहाँ पर लिख भी दिया कि जन संपर्क के संसाधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लोग जो है आक्रामक स्वभाव के है, ये बात कहाँ लिखा है, बल्कि ये लिखा है कि टीवी, यानी जन संपर्क वहाँ पर दे दिया दोस्तों, तो टीवी वही कह रहा है कि दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ देखिए हिंसा के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है, और अत्यधिक यानी कि प्रभाव के कारण, प्रदर्शन के कारण यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि आक्रामक में छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है, यानी प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि चार, यानी कि हम लोगों का मित्र है दोस्तों, एक वर्गाकार में बैठकर ताश खेल रहे हैं और राम के दाई तरफ शंकर है। एक वर्गाकार बना लेते हैं दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, देखिए इस तरीके से एक बना लिया, एक वर्गाकार बन गया, और यहाँ पर चार मित्र है तो इस तरीके से कर लिए, बस हो गया। कह रहा है कि चार मित्र ताश खेल रहे हैं, तो ताश है, राम के दाई तरफ शंकर बैठे हैं, तो राम के दाई तरफ अगर यहाँ पर हम लोगों के सामने राम बैठा देते हैं दोस्तों, तो राम यानी कि देखिए हम लोगों का राम इधर हो जाएगा, सब जो है इस तरीके से देखेगा, तभी ना ताश खेलता है, तो इस तरीके से खेलेगा, तो राम का दाई इधर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि खेल रहे हैं, राम के दाई तरफ शंकर है, तो शंकर यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का शंकर हो जाएगा, यहाँ पर शंकर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा, यानी अरविंद के बाईं तरफ गोपाल, तो अरविंद को कहां बैठाएंगे दोस्तों, अरविंद, हाँ अरविंद को इस जगह पर बैठा लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं दोस्तों, अरविंद को इस जगह पर बैठा लेते हैं।
इस जगह पर बैठा लीजिए दोस्तों अरविंद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गोपाल हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों गोपाल बैठ गया, बस हो गया चारों बैठ गया। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार है, तो कौन है दोस्तों गोपाल और राम है, और उसके बाद हम लोगों के यमने की और एक अरविंद, और कौन है दोस्तों हम लोगों का शंकर है। तो देखिए इसमें कौन सा भागीदार, गोपाल और राम। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन गोपाल और राम हम लोगों के सामने क्या दोस्तों भागीदार, यानी कि एक साझा किया हुआ है। देखिए ना ये दोनों हम लोगों का भागीदार है दोस्तों, अरविंद और शंकर तो कहीं एक जैसा कहीं दिखाई नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी गोपाल और राम क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।